हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलर बाय साक्षी। तो सबसे पहले तो हैप्पी रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन है तो मैंने सोचा आज क्यों ना व्लॉगिंग करी जाए। तो जैसे कि वैसे तो हम लोगों की इस बार ही राखी नहीं है, एक्चुअली हम लोग उत्तराखंड के गढ़वाली लोग हैं। तो हम लोग क्या, अगर फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो पूरे एक साल के लिए त्यौहार बंद हो जाते हैं। मतलब हम लोग त्यौहार कोई फेस्टिवल नहीं मनाते, बट रक्षाबंधन भाई का त्यौहार माना जाता है। तो हम लोग मतलब हम लोग सिर्फ भाई मतलब राखी और सेलिब्रेट होती है। बाकी हाँ, इस दिन कुछ स्पेशल नहीं बन पाता, सिंपल खाना जैसे बनता है वही बनेगा। बट ये कि हाँ, राखी बांध सकते हैं। तो वैसे तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं होगा, मतलब कुकिंग एंड ऑल टाइप्स, क्योंकि बहुत सब कुछ सिंपल रहने वाला है। बट मैंने सोचा क्यों ना आप लोग फिर भी शेयर करा जाए। सो मैं रेडी हो गई हूँ, और ज़्यादा टिपिकली रेडी नहीं हूँ, सिंपल लुक लिया है मैंने बिल्कुल ही, क्योंकि जब रक्षाबंधन नहीं था तो ज़्यादा हैवी रेडी होकर भी कोई फ़ायदा नहीं था, फिर अजीब भी लगता है। तो फिर सिंपल ही, बाकी मेरी सिस्टर इन लॉज हैं वो आएंगी, अभी चार हैं तो चारों आएंगी, तो फिर सेलिब्रेट होगा रक्षाबंधन। मेरा भाई भी आया था, उसको थोड़ा ऑफिस जाना था तो थोड़ा जल्दी था, तो फिर जल्दी बाजू में राखी वगैरह हुई, और उस टाइम पे कोई था भी नहीं आसपास जो वीडियो वगैरह बना सके या मतलब फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सके, तो नहीं हो पाई उस टाइम। तो मैंने सोचा क्यों ना मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ आएगी तो मैं वो लोग आपके साथ शेयर करूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग पूरा देखकर ज़रूर जाइएगा। सो गाइज, दी और घर आ गए थे और मैं उनका वेलकम रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बिकॉज मैं उस टाइम कुछ काम कर रही थी। तो जैसे ही फ्री हुई तब मैंने रिकॉर्डिंग करी, तो फिर दीदी और ने अपने भाइयों को राखी बनाई एक एक करके चारों दी ने। राखी बनवाने के बाद यहाँ चल रहा था फोटो सेशन, बट कुछ भाई मिसिंग थे बिकॉज काम था, तो वो लोग राखी वगैरह बनवा के अपने काम पे ही चले गए थे। देन उसके बाद फिर हमारे घर की बच्चा पार्टी का टर्न आया, और भाई तो उनके रोने ही लग गए थे जब उनके हाथों में राखी बांधी, पता नहीं क्यों, पर बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। और यहाँ पे मैं प्रीशा के लिए भी एक राखी लाई थी, छोटे से कान्हा जी की राखी थी, बहुत ही सुंदर, और मैंने प्रीशा के बांध ली, वो बहुत खुश भी हो गई थी राखी देख के। फाइनली प्रीशा का टर्न आ गया था राखी बांधने के लिए, और प्रीशा भी बड़ी खुश हो रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा है। वैसे तो उसकी दूसरी राखी थी, बट फर्स्ट टाइम पे तो उसे कुछ समझ नहीं थी, इस बार थोड़ा बहुत वो देख रही थी, समझ रही थी चीज़ों को।
राखी वगैरह सब बांधने के बाद सब जब फ्री हुए तो फिर इवनिंग में हम लोगों ने बाहर से स्नैक्स मंगाए थे। एक तो ये प्लेटरी मंगाया था और वो काफ़ी ज़्यादा यम्मी था, तो हम लोगों ने सब ने मिलकर खाया वो। एंड जब सब साथ मिलके खाते हैं तो कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा यम्मी और अच्छा लगता है। सब मिलकर खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। सीरी रिव्यू दे, कैसा है स्टार्टर, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, पर मैंने खाया नहीं, पर मैं टेस्ट ऐसे सुन के बता सकता हूं अच्छा है। क्यों तू बता, चाप वाज रियली गुड। और यहाँ हम सब स्नैक्स खा रहे थे बैठ के, और पीछे मैडम एक साइड में अपने पापा की प्लेट से चाउमीन खाने में लगी थी। मैडम की फेवरेट है चाउमीन, और वो कहीं भी देखते हैं तो छोड़ती नहीं है, बट हम उसे देना अवॉइड ही करते हैं ज़्यादातर, बट वो फिर भी कहीं ना कहीं से खा ही लेती है। आटा प्रीशा, आप आटा नहीं? नो, और यहाँ पे प्रीशा मुझे साथ में मस्ती करते हुए डांस करते हुए, मतलब हम लोग जो एंटरटेनमेंट करते हैं डांस से अपने। एंड मुझे यहाँ पे ऑडियो बंद करना पड़ा सॉन्ग का, बिकॉज ये तो कॉपीराइट आ जाता मेरी वीडियो में। सबके लिए डिनर में बनाया था सिंपल मटर पनीर आलू गोभी की सब्जी रोटी, साथ में पापड़ और सैलेड। कुछ स्पेशल बना नहीं पाई इसीलिए यही सिंपल बनाया। और यहाँ पे बाकी दीदी और तो नाइट में ही चले गए थे, और एक दीदी रुकी थी सो वो नेक्स्ट डे जा रही थी। बाय मीशा। सो गाइज, ये था राखी का दिन जो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। वैसे तो करना नहीं था, बट फिर भी हमने थोड़ा बहुत किया। बहुत ज़्यादा स्पेशल तो कुछ नहीं कर पाए, रीज़न आप लोगों को पता ही है, बट यह कि चलो नेक्स्ट टाइम और अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट टाइम बस ऐसी कोई कंडीशन ना हो, होप करते हैं इसी चीज़ का। तो होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया। अगर ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और बहुत जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।